बच्चों पढ़ रहे कक्षा आठ की गणित तो और आज हम नया अध्याय शुरू करने वाले हैं अध्याय सोलह संख्याओं के साथ खेलना तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है यहाँ पर हम संख्याओं के साथ कई तरह के खेल खेलेंगे तो उससे पहले हम संख्याओं को डिटेल में समझते हैं कि संख्याएँ कैसे बनती हैं संख्याओं के क्या प्रकार हैं तो जो संख्याओं के प्रकार है वह हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं संख्याएँ कितने प्रकार की होती है तो एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं संख्याओं के प्रकार तो पहला प्रकार है प्राकृत संख्याएँ तो हम जानते हैं काउंटिंग नंबर्स किसी भी चीज़ों को अगर आपको काउंट करने को कहें तो हम कैसे काउंट करते हैं एक दो तीन चार पाँच तो ये सारी संख्याएं है, कहलाती हैं प्राकृत संख्याएं है. अब आती हैं पूर्ण संख्याएं है. तो ये भी हम जानते हैं पूर्ण संख्याएं है, शून्य से शुरू होती है तो प्राकृत संख्याओं में अगर आप ज़ीरो इंक्लूड कर देंगे तो बन जाएंगी पूर्ण संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं हैं ज़ीरो एक दो तीन चार डैश डैश अब आती हैं पूर्णांक तो पूर्णांक भी हम समझ चुके हैं क्या होते हैं धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं और शून्य तो यहाँ लिखा है हमने माइनस फोर आगे डैश डैश है माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू जीरो वन टू थ्री फोर डैश डैश ये सभी कहलाते हैं पूर्णांक और अब आता है परिमेय संख्याएं तो परिमेय संख्याओं का पूरा एक चैप्टर अध्याय एक में हम समझ के आएँ तो ये देखिए परिमय संख्या क्या होती है तो वह संख्या पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ क्यू कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए तो क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो हमेशा ये हम समझ ही चुके हैं तो ये संख्याओं के प्रकार हमें अच्छे से समझ में आ गए हैं अब हम समझेंगे कि संख्याएं बनती कैसे हैं देखिए व्यापक रूप में संख्याएं तो दो अंकों वाली संख्याएं जैसे ये कोई हमने उदाहरण लिया पचास है तो बावन है तो बावन को हम क्या लिख सकते हैं पचास प्लस दो लिख सकते हैं पचास प्लस दो पचास और दो बावन हो जाएंगे तो हमने बावन को लिख दिया पचास प्लस दो अब पचास को भी क्या लिख सकते हैं पाँच गुणा दस लिख सकते हैं ये लिख दिया हमने दस गुणा पाँच या पाँच गुणा दस प्लस दो क्लियर तो ये बावन को हमने कैसे लिख दिया दस गुणा पाँच प्लस दो अब ये बावन हम ये भी तो समझ चुके हैं कि बावन में ये क्या होता है इकाई का अंक और ये क्या होता है दहाई का अंक ये इकाई का अंक और ये होता है दहाई का अंक क्लियर है अब इकाई का अंक और दहाई का अंक क्यों कहते हैं इसीलिए तो कहते हैं इकाई का अंक मतलब इसके अंदर गुणा एक करना है दहाई का अंक मतलब इसके अंदर गुणा दस करना है और इन दोनों को जोड़ना है तब आपको गई संख्या मिल जाएगी तो यही यहाँ पर भी हो रहा है दहाई के अंक में दस का गुणा इकाई के अंक में कुछ नहीं है मतलब एक का गुणा इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिल जाएगी दी गई संख्या मिल जाएगी आपको तो संख्या कैसे बनी ये जो बावन एक संख्या दी गई है वो कैसे बनी है हमको समझ में आ गया इकाई का अंक प्लस दस गुणा दहाई का अंक क्लियर है तो यहाँ क्या लिखा है व्यापक रूप में क्या लिख सकते हैं ए बी बराबर टेन ए प्लस बी टेन ए जो दहाई का अंक है उसके अंदर दस का गुणा प्लस बी करेंगे तो हमको दी गई संख्या मिल जाएगी क्लियर तथा बी ए अगर इनको पलट दिया हमने ए बी की जगह बी ए कर दिया तो दहाई का अंक तो हो गया है बी और इकाई का अंक हो गया है ए इसको प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा जो इसका दहाई का अंक है बी उसमें दस का गुणा करेंगे तो ये कर दिया दस गुणा बी प्लस इकाई का अंक अब इकाई का अंक बन गया है ए तो इसका जो एक्सपांडेड फॉर्म होगा उसको क्या लिख देंगे हम टेन बी प्लस क्लियर अब आती है तीन अंकों वाली संख्याएं जैसे ये तीन सौ इक्यावन है तो ये कैसे बना तो तीन सौ इक्यावन क्या लिख सकते हैं इसको तीन सौ प्लस पचास प्लस एक लिख सकते हैं ये तीन सौ पचास और एक इनको अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा एक यहाँ आएगा पाँच और यहाँ आएगा तीन मिल जाएगा तीन सौ इक्यावन तो तीन सौ इक्यावन को हमने लिख दिया तीन सौ प्लस पचास प्लस, प्लस, प्लस एक क्लियर है यहाँ तक अब 300 को क्या लिख सकते हैं ये जो 300 सौ इसको लिख सकते हैं तीन गुणा सौ तीन गुणा सौ तीन सौ आ जाएगा ये जो 50 है इसको लिख सकते हैं पाँच गुणा दस पाँच गुणा दस करेंगे तो 50 आ जाएगा और ये जो एक है इसको लिख दिया हमने एक गुणा एक लिख सकते हैं तो एक गुणा एक एक मिल जाएगा हमको क्लियर तो ये जो संख्या है यहाँ पर ये तो इकाई अंक हो गया ये दहाई अंक हो गया और ये सैकड़ा अंक सैकड़ा अंक में सौ का गुणा ढाई अंक में दस का गुणा इकाई अंक में एक का गुणा इन सब को करके अगर आप जोड़ देंगे तो ये वाली संख्या हमको मिल जाएगी तो देखिए कैसे बनी ये वाली संख्या तीन अंकों की तीन सौ प्लस पचास प्लस एक तीन सौ को लिख दिया तीन गुणा सौ प्लस पचास को लिख दिया पाँच गुणा दस प्लस एक को लिख दिया एक गुणा एक आगे देखिए व्यापक रूप में कोई भी तीन अंकों की संख्या आपको दी गई है ए बी सी तो यहाँ पर ये तो है इकाई का अंक तो इकाई के अंक में एक का गुणा है वो शो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक के गुणा करने से संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये इकाई अंक ऐसे ही लिख दिया प्लस जो दहाई अंक है यहाँ बी है तो बी में दहाई अंक में दस का गुणा होता है प्लस सैकड़ा अंक में सौ का गुणा होता है तो क्या आ जाएगा ये हंड्रेड ए प्लस टेन बी प्लस सी क्लियर तो आपको यहां पर यह समझ में आ गया जो तीन अंकों की अगर संख्या दी गई है तो वह किस प्रकार बनी होगी क्लियर इसी प्रकार अगर संख्या है ए बी ए सी ए बी क्रम बदल गए तो अब सैकड़ा की जगह आ गया है सी तो सी में सौ का गुणा होगा ये सी में सौ का गुणा होगा दहाई में आ गया है ए तो ए में दस का गुणा होगा दस ए प्लस इकाई अंक पे आ गया है बी तो प्लस कर देंगे बी क्लियर इसी प्रकार अगर ये क्रम हो ए तो सैकड़ा की जगह आ गया है तो तो की करेंगे जगह सी आ गया है तो दस गुणा करेंगे ये आ दस गुणा सी और इकाई की जगह पे आया है ए तो ये प्लस कर दिया हमने ए क्लियर तो यहां हमने ये समझा है कि दो अंकों की संख्या या तीन अंकों की संख्या बनती कैसे है तो यहां पर हम पूरा ये समझ चुके हैं कि संख्या क्या है संख्या की प्रकार क्या है और वो संख्या किस प्रकार बनी है क्लियर तो संख्याओं का हमने डिटेल नॉलेज ले लिया है अब हम शुरू करेंगे संख्याओं के साथ खेलना तो देखिए संख्याओं के साथ खेल कैसे खेल सकते हैं हम संख्याओं के साथ में तो यहाँ पहला है अंकों को पलटना दो अंकों की संख्या से हम शुरू कर रहे हैं अंकों का पलटना किस प्रकार खेल सकते हैं तो यहाँ दो हैं एक मीनाक्षी है और एक राहुल है अब मीनाक्षी अंकों पर आधारित कुछ पहलियां राहुल से पूछती है कैसे उदाहरण से हम समझते हैं देखिए उदाहरण मीनाक्षी राहुल से कहती है क्या कहती है कोई दो अंकों की संख्या सोचो राहुल को मीनाक्षी ने बोला कि कोई दो अंक की संख्या आप सोचो तो राहुल ने सोची फोर नाइन क्लियर अब इसके अंकों को पलट दो अब मीनाक्षी ने कहा जो आपने संख्या सोची है उसके अंकों को पलट दो पलट दो मतलब क्रम चेंज कर दो आपने 49 सोची है तो उसको उल्टा कर दो 94 कर दो ये राहुल उसको बता नहीं रहा मीनाक्षी को वो मन में कर रहा है जैसे जैसे वो कह रही है आगे क्या है अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ो राहुल को उसने बोला अब आप उन दोनों संख्याओं को जोड़ो तो दोनों संख्या कौन सी एक तो जो सोची थी 49 और एक इसके क्रम को बदलने पर प्राप्त हुई थी 94 इन दोनों संख्याओं को जोड़ो तो जोड़ने पर हमको राहुल को मिला 143 अब मीनाक्षी बोलती है अब प्राप्त संख्या को 11 से भाग दे दो तो राहुल ने जो उसको संख्या मिली इनको जोड़ने पर एक उसको ग्यारह से भाग दे दिया तो उसको भागफल मिला है तैतीस अब मीनाक्षी ने राहुल से बोला राहुल से कहती है कि ऐसा करने पर शेषफल आपको शून्य मिला होगा ये जो आपने भाग लगाया है इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर प्राप्त संख्या में ग्यारह का जो भाग लगाया है उसका आपको शेषफल शून्य प्राप्त हुआ होगा ऐसा उसने दावा किया तो राहुल ने देखा कि वो बिल्कुल सही कह रही है राहुल को वास्तव में शेषफल शून्य ही प्राप्त हुआ अब इसके अंदर मीनाक्षी ने कोई जादू नहीं किया है तो इसमें मीनाक्षी की क्या ट्रिक है वो देखिए मीनाक्षी की क्या ट्रिक रही इसमें उसको समझते हैं तो दो अंकों की संख्या सोचने को उसने बोला था दो अंकों की संख्या हमने मान ली कोई ए बी अभी हमने समझा है कि दो अंकों की संख्या बनती कैसे है क्या कैसे बनती है ये इकाई का अंक ये का अंक दहाई के अंक में दस का गुणा कर दिया प्लस बी कर दिया क्लियर अब क्या किया अंकों को पलटने पर ए बी संख्या सोची थी अंकों को पलट दिया तो जो बी पीछे था वो आ गया आ गया और ए आगे था वो पीछे चला गया तो अब पलटने पर संख्या प्राप्त हो गई हमको बीए अब बीए बी में क्या हुआ ए तो हो गया इकाई अंक और दाई अंक हो गया बी तो दाई अंक में 10 का गुणा 10 बी प्लस ए कर दिया हमने क्लियर आगे मीनाक्षी ने क्या कहा था इन दोनों अंकों को जो दोनों संख्याएं प्राप्त हुई उनको जोड़ो तो हमने क्या करा ये और ये इन दोनों को जोड़ा 10a b पहली संख्या थी टेन बी प्लस ए दूसरी को इन दोनों को हमको क्या करना है जोड़ना है तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ये टेन है और ये इलेवन है आ गया, प्लस B और ये B, 11 आ गया प्लस कर दिया हमने इलेवन बी अब इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ भी ग्यारह है यहाँ भी ग्यारह है तो ग्यारह को हमने निकाल लिया बाहर कॉमन तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा यहाँ बचा है ए प्लस यहाँ बच गया बी तो इलेवन ए प्लस बी आया अब मीनाक्षी ने क्या कहा था कि जो आपको जोड़ने पर संख्या प्राप्त हुई है उसको अगर आप 11 से भाग लगाएंगे तो आपको शेषफल शून्य मिलेगा तो यहाँ हमको जोड़ने पर संख्या मिल रही है इलेवन ए प्लस बी जिसमें आप अगर 11 का भाग लगाएंगे तो 11 से 11 कट जाएगा और उत्तर आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी पूरा भाग लग रहा है ग्यारह से ग्यारह कट रहा है तो शेषफल अपने आप ही शून्य प्राप्त होगा तभी उसने दावा भी कर दिया था कि 11 से अगर आप भाग लगाएंगे तो आपको शीषफल शून्य मिलेगा तो समझ में आया अतः प्राप्त योग सदैव ग्यारह का एक गुणज है जैसा कि मीनाक्षी ने दावा किया है ये संख्याओं के साथ कैसे खेला समझ में आया मीनाक्षी ने इन संख्याओं पर आधारित एक पहली राहुल से पूछी उसने बोला कि आप दो अंकों की संख्या सोचो फिर उनके अंकों को पलट दो जब नई संख्या आपको मिल जाएगी उसको पुरानी संख्या में जोड़ दो तो आपको जो योग मिलेगा उसको अगर आप 11 से भाग लगाते हैं तो उसका शेषफल आएगा शून्य तो इसमें इसने कोई जादू नहीं किया उसके पीछे ये ट्रिक थी ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई अब चलते हैं अगली पहली अगली पहली भी अंकों को पलटने पर ही आधारित है पर अब संख्या है तीन अंकों की संख्या ले रहे हैं क्लियर अब देखिए क्या हुआ मीनाक्षी फिर राहुल से कहती है कि कोई तीन अंकों की संख्या सोचो तो उसने सोच ली है थ्री फाइव नाइन क्लियर? अब क्या बोल रही है अब इन अंकों को उल्टे क्रम पलटते हुए लेकर नई संख्या बनाओ उल्टे क्रम मतलब पहले थी थ्री फाइव नाइन अब इसको उल्टे में लो नाइन फाइव थ्री तो ये बन गई नई संख्या नाइन फाइव थ्री आगे क्या बोलती है अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है तो ये वाली बड़ी है इसमें से छोटी संख्या घटाओ तो ये माइनस किया तो उसको मिला पाँच सौ आगे क्या बोलती है अब उत्तर को निन्यानवे से भाग दो निश्चित रूप से शेषफल आपको शून्य मिलेगा ऐसा उसने दावा किया तो राहुल ये सारा काम अपने दिमाग में सोच के कर रहा है उसने करा जब माइनस किया तो उसको पाँच मिला अब उसको बोला है कि इसको निन्यानवे से भाग दो तो आपको शेषफल शून्य मिलेगा जब इसने इसको निन्यानवे से भाग दिया तो भागफल छः और शेषफल मिल गया उसको जीरो इसके पीछे मीनाक्षी ने क्या ट्रिक अपनाई वो हम समझते हैं इसमें मीनाक्षी की क्या ट्रिक है देखिए तीन अंकों की संख्या ए बी सी है इसको हम ये लिख सकते हैं ये कौन सा अंक है सैकड़ा अंक तो सैकड़ा में सौ का गुणा तो सौ है ये दहाई अंक तो दहाई में दस का गुणा दस है प्लस ये सी क्या इकाई अंक तो प्लस कर दिया हमने सी अभी हमने समझा था तीन अंकों की संख्या कैसे बनती है आगे अंकों को पलटने पर ये संख्या क्या हो जाएगी ए बी सी ए अब हो जाएगा सी बी ए ये कर दिया सी बी ए ये भी कैसे बनी ये भी हम समझ सकते हैं सैकड़ा में सो का गुणा सी में सो का गुणा दहाई में दस का गुणा बी तो में दस का गुणा प्लस इकाई अंक ए क्लियर आगे क्या बोला है घटाने पर प्राप्त होगा अब हमको क्या बोला था उसने कि जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या घटा दो तो यदि ऐसा है कि ए बड़ा है सी से तो हम क्या करेंगे इस ए बड़ा है सी से तो इसमें से ये वाली संख्या घटा देते हैं तो ये हमने घटाया ऊपर वाली में से नीचे वाली को घटा दिया तो ये क्या हो गया हंड्रेड ए प्लस टेन बी प्लस सी माइनस हंड्रेड सी चीन बदल गए ये माइनस टेन बी हो गया और ये माइनस ए हो गया क्लियर टेन बी से ये टेन बी कट गए तो ये बचा है नाइन्टी नाइन ए माइनस नाइन्टी नाइन सी यहाँ कॉमन दिख रहा है हमको यहाँ नाइन्टी है यहाँ भी नाइन्टी है तो ये कॉमन निकाल लिया हमने नाइन्टी ब्रैकेट में बच गया ए माइनस सी क्लियर यदि यहाँ पर हमने माना है ए ग्रेटर देन सी यदि सी बड़ा है ए से तब क्या हो जाएगा बाद वाली संख्या में से पहली वाली संख्या घटाएँगे तो हमें मिलेगा 99 नाइन सी माइनस ए और यदि ए और सी बराबर है तो अंतर शून्य हो जाएगा तो इन तीनों ही स्थितियों में हम क्या देखते हैं देखिए यहाँ पर भी 99 ब्रैकेट के बाहर हैं तो 99 से भाग लगाएंगे तो ये 99 से 99 कट जाएगा और उत्तर क्या मिल जाएगा A- माइनस सी इसका मतलब शेषफल नहीं बचेगा इसी प्रकार यहाँ पर अगर भाग लगाएंगे तो भी 99 से 99 कट जाएगा और क्या उत्तर मिल जाएगा सी माइनस तो शेषफल नहीं बचेगा शून्य होगा क्लियर तो यहाँ क्या लिखा है प्रत्येक स्थिति में परिणामी संख्या 99 से विभाज्य है इसलिए शेषफल शून्य प्राप्त होता है क्लियर तो इसमें मीनाक्षी ने कोई जादू नहीं किया इसके पीछे की इसकी ये ट्रिक हमको अच्छे से समझ में आ गई चलते हैं अगले प्रकार के खेल पर दूसरा दिए हुए तीन अंकों से तीन अंकों की संख्याएं बनाना अभी हमने समझा था पहले प्रकार के खेल में क्या कर रहे थे संख्याओं को पलटना अब हम कर रहे हैं तीन अंकों से तीन अंकों की संख्याएं बनाना देखिए कैसे मीनाक्षी राहुल से क्या कहती है कोई तीन अंकों की संख्या सोचो उसने ये सोची दो अब क्या है अब इस संख्या का प्रयोग दो अन्य तीन अंकों की संख्याएं बनाने में इस प्रकार करो यदि ए बी सी संख्या सोची है तो क्या कर लो पहली संख्या सी ए बी बनाओ और अन्य संख्या बनाओ बी सी ए इस प्रकार से आप क्रम बदल के दो अन्य संख्याएं बनाओ तो अब संख्या क्या हो जाएगी सात और तीन इस हिसाब से आपको क्रम बदल के अन्य दो संख्याएं बनानी है तो उसने 237 सोचा था दूसरी संख्या हो गई सात और तीसरी संख्या हो गई तीन क्लियर आगे मीनाक्षी क्या बोलती है अब इन संख्याओं को जोड़ो परिणामी को सैंतीस से भाग दो मीनाक्षी कहती है कि मेरा दावा है शेषफल शून्य होगा अब क्या हुआ तीन संख्याएं हो गई हमारे पास जो सोची थी दो सो, और क्रम बदलने पर जो अन्य दो संख्याएं प्राप्त हुई थी उन तीनों संख्याओं को आपको जोड़ना है तो इसने जोड़ा उसको मिला तेरह अब वह बोलती है कि जो आपको योग मिला है उसको आप अगर सैंतीस से भाग देंगे तो शेषफल आपको शून्य मिलता है तो परिणामी संख्या को सैंतीस से उसने भाग लगा के देखा तो उसको उत्तर भागफल तो मिला छत्तीस और शेषफल मिला शून्य तो उसने जो बताया था सेम वैसा ही उसको उत्तर मिल रहा है उसको शेषफल शून्य मिल रहा है तो इसके पीछे इसकी क्या ट्रिक है मीनाक्षी की क्या ट्रिक है देखिए ए बी सी को आप लिख सकते हैं हंड्रेड ए प्लस टेन बी प्लस बी अभी हम समझ चुके हैं अब हमने नई संख्या मिली सी ए बी क्रम बदल क्या तो इसमें क्या हो जाएगा हंड्रेड सी प्लस टेन ए प्लस बी हो गया तीसरी संख्या मिली है बी सी ए हंड्रेड बी प्लस टेन सी प्लस ए ये तो समझ में आ ही गया इन सबको क्या करना है अब हमको जोड़ना है तो हमने क्या करा ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी ए किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए हंड्रेड ए और क्या आ रहा है ये टेन है और ये ए इन तीनों को जोड़ना ही तो है तो ये हंड्रेड ए टेन है और ये ए तो एक सौ ग्यारह हो गया ये सौ और ये दस एक सौ दस और एक एक सौ ग्यारह ऐसे ही ये भी एक सौ ग्यारह होंगे बी भी, भी ऐसे ही सी भी कितने होंगे एक सौ ग्यारह होंगे यहाँ पर ये सी है तो ऐसे ही सी भी 111 हो गए 111 सब में आएगा तो हमने 111 निकाल लिया बाहर कॉमन तो बच गया अंदर ए प्लस बी प्लस सी ये समझ में आया यहाँ पर देखिए ए बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी ए करेंगे तो हमको मिल रहा है 111 ए प्लस 111 बी प्लस 111 सी सब में 111 है तो हमने 111 को निकाल लिया बाहर तो अंदर क्या बच गया ए प्लस बी प्लस सी ये बच गया ए प्लस बी प्लस सी अब 111 को हम लिख सकते हैं सैंतीस गुणा तीन कैसे देखिए सैंतीस गुणा तीन करके देख लीजिए सात या इक्कीस आ सिलाई दो तीन तिया नौ दो ग्यारह तो 111 आ रहा है तो 111 को ये लिख सकते हैं हम सैंतीस गुणा तीन जब आप इसको सैंतीस से भाग दोगे अब ये संख्या क्या मिल गई हमको सैंतीस गुणा तीन ए प्लस बी प्लस सी इसको जब आप सैंतीस से भाग देंगे तो सैंतीस से सैंतीस कट जाएगा और ये हमको भागफल मिल जाएगा पूरा पूरा भाग जा रहा है तो शेषफल अपने आप शून्य मिल जाएगा तो यही ट्रिक इस मीनाक्षी ने काम में ली तो यहाँ पर हमको ये मिला जो सैंतीस से विभाज्य है क्लियर समझ में आ रहा है संख्याओं के साथ कैसे पहली बनाई है चलते हैं आगे तीसरा अंकों के लिए अक्षर तीसरे प्रकार का क्या खेल हम खेल सकते हैं संख्याओं के साथ तो यह है अंकों के लिए अक्षर अब आपको क्या है कुछ अंक गणितीय प्रश्न दिए होंगे उसमें आपको कुछ अंक दिए होंगे और कुछ अक्षर दिए होंगे तो आपको अब उन अक्षरों की जगह क्या अंक आना चाहिए ये पहचानना होगा या ये उसको हल कर कर ये बताना होगा कि उस अक्षर की जगह क्या अंक आएगा तो देखिए क्या लिखा है यहाँ कुछ पहलियाँ हैं जहाँ एक अंक गणितीय प्रश्न में अंकों के स्थान पर अक्षर होते हैं तथा समस्या यह ज्ञात करने की है कि कौन सा अक्षर किस अंक को निरूपित करता है आपको जो समस्या का हल है उसमें यह बताना है कि कौन सा अक्षर किस अंक को निरूपित कर रहा है अतः यह एक प्रकार से कोड को हल करने जैसी बात है यहाँ पर क्या है कोई कोड वर्ड्स यूज किए गए हैं किसी अंक के स्थान पर अक्षर लिखकर तो आपको ये कोड हल करना है कि ये जो अक्षर है वो किस अंक को निरूपित कर रहा है ठीक है अब देखिए ऐसी पहेलियों को हल करते समय अपनाए जाने वाले दो नियम क्या हैं ये नियम है कि पहली में प्रत्येक अक्षर केवल एक ही अंक को प्रदर्शित करना चाहिए एक अंक केवल एक ही अक्षर से प्रदर्शित किया जाना चाहिए तो इसको एक बार हम उदाहरण से समझते हैं देखिए यहाँ पर जैसे है सात प्लस ए बराबर दिया गया है दस तब आपको पूछा गया है कि ये ए क्या होगा बताइए तो हम यहाँ पर देख के क्या पता कर रहे हैं कि यहाँ सात में क्या जोड़ें कि दस मिल जाए तो इसको आ, आप ऐसे भी हल कर सकते हैं सात प्लस ए बराबर दस लिखा तो यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा दस माइनस सात पक्षांतरण कर दिया तो ए का मान आ जाएगा तीन क्लियर तो यहाँ पर जो आपको अक्षर दिया गया है उसकी जगह अंक क्या आएगा तीन और यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि पहली में प्रत्येक अक्षर केवल एक ही अंक को निरूपित करेगा यहाँ पर सिर्फ ए बराबर तीन ही हो सकता है इसका कोई दूसरा उत्तर नहीं हो सकता एक अक्षर एक ही अंक को प्रदर्शित करेगा या एक अंक एक ही अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा क्लियर ये तो बहुत सरल एग्जाम्पल था इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं देखिए फाइव ए प्लस सेवन यहाँ दिया गया है सी बी थ्री तो आपको यहाँ पर ए बी सी इन सबकी वैल्यू पता करनी है कि ये जो अक्षर हैं कौन से अंकों को प्रदर्शित कर रहे हैं तो एक अक्षर एक अंक को प्रदर्शित करेगा तो देखिए इसका जो इकाई वाला खाना है ये वाला इसको देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है ए प्लस सात ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसका इकाई का अंक कितना हो यहाँ तीन आया है मतलब इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ आएगा तीन और जो हासिल होगी वो ऊपर लगाते हैं हम ऐसे ही जोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए ए में सात जोड़ रहे हैं और आ रहा है तीन तीन मतलब आप ऐसी कोई संख्या बताइए जिसका इकाई का अंक तीन है तो तेरह हो सकती है ऐसी संख्या तो यहाँ तेरह करना है तो ए बराबर क्या हो जाएगा तेरह माइनस सात तो कितना आ जाएगा ये ए बराबर छः आ जाएगा क्लियर है तो छः और सात कितना हो जाएगा तेरह तब ये देखिए पहली का रूप कैसा बन जाएगा एक ही जगह हमने क्या लिख दिया छः ये हो गया प्लस आठ ये सात तब ये देखिए सात और छः हो गए तेरह हासिल एक आठ और पाँच तेरह और एक चौदह तो इसका मतलब ये जो बी है वो तो हो गया चार और ये जो सी है वो हो गया एक तो ये हमने निकाल लिया पहली का हल ए बराबर छ बी बराबर चार और सी बराबर एक तो एक अक्षर एक ही अंक को प्रदर्शित करना चाहिए ये नियम यहाँ पर फॉलो होगा दूसरा नियम क्या दिया है कि एक संख्या का पहला अंक शून्य नहीं हो सकता जैसे कोई आपको अंक संख्या दी है तिरसठ तो इसको यही लिखेंगे तिरसठ ना कि जीरो सिक्स थ्री या ज़ीरो ज़ीरो सिक्स थ्री नहीं लिखेंगे हमेशा संख्या को संख्या से ही ज़ीरो से शून्य शून्य से शुरू नहीं किया जा सकता तो ये दो नियम यहाँ पर फॉलो होंगे और हमको हल करना होगा दी गई पहली को इस प्रकार इन संख्याओं से खेल खेले जा सकते हैं क्लियर यहाँ पर आपके पास एक और टॉपिक दिया गया है विभाज्यता की जांच तो ये विभाज्यता की जांच हम कक्षा सात में भी पढ़ चुके हैं दस से विभाज्यता पाँच से विभाज्यता तीन से विभाज्यता नौ से विभाज्यता दो से विभाज्यता तो अब यहाँ पर कक्षा आठ में फिर से ये टॉपिक क्यों दिया गया है तो यहाँ हम समझेंगे कक्षा सात में तो हम डायरेक्ट नियम पढ़ पढ़ते थे कि दस से विभाज्य है होने के लिए क्या होना चाहिए पाँच से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए दो से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए अब यहाँ हम समझेंगे इसका स्पष्टीकरण के ऐसा नियम बना कैसे और क्यों बना क्लियर तो शुरू करते हैं पहला दस से विभाज्यता देखिए दस से विभाज्यता को समझते हैं दस के कुछ गुणज दस की टेबल आपको पता ही है दस बीस तीस चालीस पचास साठ ये सब दस के क्या कहलाते हैं मल्टीपल्स या गुणज दस में एक का गुणा करेंगे तो दस मिलेगा दस में दो का गुणा करेंगे तो बीस मिलेगा दस में तीन का गुणा करेंगे तो तीस मिलेगा ये सब क्या है दस के गुणज हैं दस के कुछ अगुणज तो तेरह सत्ताईस बत्तीस अड़तालीस ये सब दस के अगुणज हैं क्योंकि इसके अंदर आप दस का भाग लगाएंगे तो आपको शेषफल प्राप्त होगा क्लियर आगे देखिए यहाँ से क्या पता चलता है कि ऐसी संख्या है जिनकी इकाई का अंक शून्य है सबके देखिए इकाई के अंक पे क्या आ रहा है जीरो आ रहा है तो दस के गुणज हैं जिनकी इकाई के स्थान पर शून्य है वह सब दस के गुणज हैं तथा वे संख्याएं जिनकी इकाई का अंक शून्य नहीं है वे दस के गुणज नहीं हैं क्लियर है तो यहाँ से क्या नियम बनता है विभाज्यता का दस से विभाज्यता का तो यदि किसी संख्या का इकाई का अंक शून्य है तभी वह संख्या दस से विभाज्य होगी ये नियम हम कक्षा सात में पढ़ चुके हैं इसका स्पष्टीकरण देखते हैं अब यहाँ हम कक्षा आठ पे देखिए क्या है कोई संख्या दी गई है डैश 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 सी बी ए आगे भी कोई भी अंक हो सकते हैं ये संख्या कितनी भी अंकों की हो सकती है यहाँ हम लेके चलते हैं डैश डे सी बी ए तो यहाँ हमने क्या पढ़ा सी बी ए मतलब ये हो गया इकाई का अंक ये हो गया दहाई का अंक ये हो गया सैकड़ा का अंक तो ये डैश डैश तो आगे है ही सैकड़ा में सौ का गुणा प्लस दहाई में दस का गुणा प्लस इकाई कांक यही बनेगी संख्या ये संख्या जो भी दी गई है कैसे बनेगी इसी प्रकार बनेगी अब हमको भाग लगाना है दस से क्लियर तो अग, हमने ये समझा था कि ए प्लस बी प्लस सी इसको आपको x से भाग लगाना है तो आप ये क्या कर सकते हैं ए बटा एक्स प्लस बी बटा एक्स प्लस सी बटा एक्स कर सकते हैं बाद में अगर आप जब इनको जोड़ोगे तो एलसीएम सी एम लेंगे एक्स और फिर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी क्लियर है ना तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं कि इनमें हमको भाग लगाना ये जो संख्या दी गई है उनको हमने इस रूप में लिख दिया और इसको भाग लगा रहे हैं हम 10 से विभाज्यता चेक करनी है मतलब 10 से भाग लगाएंगे तो इस वाले भाग को आप 10 से भाग लगाएंगे तो ये विभाजित हो जाएगा क्योंकि सो आता है दस की टेबल में दस गुणा दस सौ हो होते हैं फिर ये वाला जो भाग है यहाँ भी इकाई के स्थान पर आ रहा है जीरो तो ये भी दस से विभाज्य होगा दस से भाग लगाएंगे तो दस से दस कट जाएगा और बी मिल जाएगा तो इस जो भी संख्या दी गई है उसकी विभाज्यता सिर्फ डिपेंड कर रही है इस पीछे वाले ए पर क्योंकि इसके आगे करेंगे तो क्या होगा उसमें भी यहाँ सौ का गुणा है फिर आएगा हज़ार वाला अंक तो हज़ार का गुणा होगा फिर दस हज़ार वाला अंक आएगा तो दस हज़ार का गुणा होगा सबके पीछे आ रहा है ज़ीरो मतलब आगे वाले तो सब दस से डिवाइड हो रहे हैं तो विभाज्यता चेक करने में सिर्फ हमको परेशानी हो रही है इस ए से ए के बारे में अगर हमको कुछ नॉलेज हो तो हम बता सकते हैं कि दीघी संख्या दस से विभाज्य है या नहीं है तो ये कैसे होगा देखिए यहाँ ए इकाई का अंक है बी दहाई का अंक है सी सैकड़े का अंक है यहाँ तीन बिंदु ये दर्शाते हैं कि सी के बाई और, और भी अंक हो सकते हैं क्लियर क्योंकि दस डैश डैशेज दस से विभाज्य है इसलिए टेन बी हंड्रेड सी भी 10 से विभाज्य होंगे ये हमको समझ आ गया है जहां तक ए का प्रश्न है यदि दी हुई संख्या 10 से विभाज्य है तो ए को भी 10 से विभाज्य होना चाहिए ये तभी संभव है जब ए बराबर जीरो है अब हमने ये देख लिया था यहाँ पर कि ये वाला दस से विभाज्य है ये दस से विभाज्य है इसके आगे अगर कुछ होता भी है तो वो भी दस से विभाज्य है तो डिपेंड कर रहा है ए पर अगर दी गई संख्या दस से विभाज्य है इसका मतलब इस ए को भी क्या होना चाहिए दस से विभाज्य होना चाहिए दस से विभाज्य कौन कौन होते हैं ये दस ये बीस ये तीस और ये क्या है एक अंक है तो ये अंक हमेशा क्या होना चाहिए जीरो ही होना चाहिए तभी दस से विभाज्य होगा कौन कौन दस से विभाज्य होते हैं जीरो दस बीस तीस ये सब दस से विभाज्य हैं पर ये तो सब दो 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 अंकों की संख्या है हमको तो एक क्या एक अंक है तो ये अंक निश्चित रूप से क्या होना चाहिए शून्य ही होना चाहिए क्लियर समझ में आ रहा है तो यही इसका स्पष्टीकरण है अतः कोई संख्या दस से विभाज्य होती है यदि उसका इकाई के स्थान पर शून्य है मतलब ए निश्चित रूप से शून्य ही होना चाहिए तभी दी गई संख्या दस से विभाज्य होगी अन्यथा वह दस से विभाज्य नहीं होगी तो ये स्पष्टीकरण समझ में आया चलते हैं अगले नियम अगले पाँच से विभाज्यता चेक करते हैं तो ये भी हम पढ़ चुके हैं छोटी कक्षाओं में पाँच से विभाज्य होने के लिए जो इकाई अंक है वो या तो पाँच होना चाहिए या शून्य होना चाहिए तो यहाँ इस कक्षा में हम देखेंगे इसका स्पष्टीकरण इस देखिए पाँच के गुणज क्या होते हैं पाँच दस पंद्रह बीस पच्चीस तो यहाँ पर क्या आ रहा है एक बार इकाई के स्थान पर आया पाँच फिर आया जीरो फिर इकाई के स्थान पर पाँच फिर आया जीरो तो इकाई के स्थान पर या तो पाँच आ रहा है या आ रहा है शून्य तो क्या लिखा है हम देखते हैं कि इकाई के अंक पाँच और जीरो एक संख्या छोड़कर आ रहे हैं तथा इनके अतिरिक्त इकाई के स्थान पर कोई अन्य अंक नहीं आ रहा है तो यहाँ से नियम निकाला था यदि किसी संख्या की इकाई का अंक पाँच या जीरो है तो वह संख्या पाँच से विभाज्य होती है क्लियर इसका स्पष्टीकरण इस हम देखते हैं कोई संख्या हमको दी है डैश डैश सी बी ए तो इसका विस्तार रूप क्या हो जाएगा हंड्रेड सी प्लस टेन ए टेन बी प्लस ए ये समझ चुके हैं हम ये लिख दिया हमने अब यहाँ हम देखते हैं ये वाला इसको पाँच से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा कट रहा है इसको पाँच से भाग लगाएंगे तो ये भी पूरा पूरा कट रहा है अब सब कुछ डिपेंड करता है इस पर अगर दी गई संख्या पाँच से विभाज्य है तो इसका मतलब जो ये ए बचा है वह भी पाँच से विभाज्य होना चाहिए और ये पाँच से विभाज्य कब होगा यदि यहाँ पर जीरो है तो पाँच से विभाज्य होगा यदि इसकी जगह है पाँच देखिए यहाँ पर अगर जीरो है ज़ीरो बटा पाँच करेंगे तो ज़ीरो मिल जाएगा इसके जगह अगर है पाँच तो पाँच से पाँच कट जाएगा क्लियर है और ये तो अंक है तो इसके अलावा अगर कुछ भी आता है एक दो तीन चार छ सात आठ नौ तो ये पाँच से भाग नहीं लगेगा तो दी गई पूरी संख्या का ही पाँच से भाग नहीं लगेगा कुछ शेषफल हमेशा बचेगा क्लियर है समझ में आ गया तो देखिए क्या लिखा है चूंकि दस सो डैश दस से विभाज्य हैं इसलिए दस भी दस हंड्रेड सी भी दस से विभाज्य होंगे तथा बाद में पाँच से भी विभाज्य होंगे दस से विभाज्य है तो पाँच से तो विभाज्य होंगे ही क्यों होंगे क्योंकि दस को क्या लिख सकते हैं हम पाँच गुणा दो लिखते हैं हम जहाँ तक संख्या ए का प्रश्न है यदि संख्या पांच से विभाज्य है तो इसे भी पांच से विभाज्य होना चाहिए अगर दी गई संख्या पूरी पांच से विभाज्य है इसका मतलब ये वाला भाग भी पांच से क्या होना चाहिए विभाज्य होना चाहिए अतः ए को या तो शून्य या पांच होना चाहिए जब अगर ए पांच से विभाज्य है इसका मतलब ए या तो होगा ज़ीरो या होगा पाँच तभी वह विभाज्य होगा इसके अलावा एक अंक की संख्या कुछ भी हो एक हो दो हो तीन हो चार हो ये एक बटा पांच करेंगे तो नहीं कटेगा दो बटा पांच करेंगे तो भी नहीं कटेगा तीन बटा पांच होगा तो भी नहीं कटेगा सिर्फ कब कट सकता है ये पांच से जब ये ए जीरो हो या पांच हो क्लियर तो क्या लिख दिया आगे अतः एक को या तो जीरो या पांच होना जरूरी है क्लियर ये इसका स्पष्टीकरण इस समझ में आया चलते हैं अगले दो से विभाजित पर दो से विभाजित भी हमने कक्षा सात में समझी थी ये हमने समझा था कि नियम क्या है नियम हमने पढ़ा था कि यदि इकाई स्थान पर सम संख्या है जीरो दो चार छः आठ दस दस तो दो अंकों की संख्या हो गई तो जीरो दो चार छः आठ अगर हो इकाई स्थान पर तो वह दो से विभाज्य होंगे ये समझा था हमने इसका स्पष्टीकरण यहाँ देखेंगे हम तो देखिए यदि किसी संख्या का इकाई का अंक जीरो दो चार छः या आठ हो तो वह संख्या दो से विभाज्य होती है ये नियम हमने पढ़ा है अब देखते हैं स्पष्टीकरण देखिए क्या है किसी भी संख्या डैश डैश सी ए बी को प्लस डैश डैश इसको ये सैकड़ा है सैकड़ा का अंक है सी तो सौ गुणा सी कर दिया प्लस दहाई अंक है यहाँ पर कर दो बी और इसको कर दो ए तो ये है डैश 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 सी बी ए तो ये क्या हो जाएगा हंड्रेड सी प्लस टेन बी प्लस ए के रूप में लिखा जा सकता है ये हम समझ चुके हैं इसके पहले दो पद हंड्रेड सी ये जो हंड्रेड सी है ये और जो टेन बी है वह दो से विभाज्य हैं कैसे हैं देखिए ये हंड्रेड दो का भाग लगाएंगे तो आ रहा है पचास फिर है टेन तो इसमें अगर आपने दो का भाग लगाया तो आ रहा है पाँच तो ये जो पहले दो पद हैं संख्या दो से विभाज्य हैं क्योंकि सौ और दस संख्या दो से विभाज्य होता है इसलिए पहले दो पद अगर विभाज्य हैं तो फिर डिपेंड करता है सब कुछ ए पर तो यदि दी हुई संख्या दो से विभाज्य है तो इसे भी दो से विभाज्य होना चाहिए ये तभी संभव है जब ए बराबर क्या हो ये देखो ये आ गया हंड्रेड सी प्लस टेन बी प्लस ए ये दो से विभाज्य है ये दो से विभाज्य है तो अब सब कुछ डिपेंड करता है इस ए पर ए की जगह अगर आया तीन तो ये तीन बटा दो तो नहीं है विभाज्य तो एक क्या होना चाहिए ऐसी संख्या होनी चाहिए जो दो से विभाज्य हो तो दो से विभाज्य कौन कौन होता है जीरो दो चार छः या आठ तो इसका मतलब सब कुछ डिपेंड करेगा ए पर तो ए क्या होना चाहिए दो से विभाज्य होने के लिए जीरो दो चार छः या आठ होना चाहिए तो समझ में आया कि जो दो की विभाज्यता का हमने नियम कक्षा सात में पढ़ा था वह कैसे आया था क्लियर चलते हैं नौ और तीन से विभाज्यता अब ये थोड़ी अलग टाइप से नियम बनेगा इसका अभी तक जो भी हमने नियम पढ़े हैं दस पाँच दो उन सब में हम सिर्फ इकाई के अंक पर ध्यान दे रहे हैं कि इकाई का अंक क्या है अब नौ और तीन की विभाज्यता थोड़े अलग टाइप से समझी जाएगी देखिए यहाँ पर क्या है इसका नियम क्या है एक संख्या एन संख्या नौ से विभाज्य होती है यदि इसके अंकों का योग नौ से विभाज्य है अन्यथा ये नौ से विभाज्य नहीं होती तो आपको जो भी संख्या दी है उसमें आपको करना होता है उसके अंकों का योग और जो योग प्राप्त होता है वह नौ से अगर विभाज्य है तो दी गई पूरी संख्या नौ से विभाज्य होगी ये नियम हम पढ़ चुके हैं इसी प्रकार का नियम होता है तीन के लिए भी एक संख्या एन संख्या तीन से विभाज्य होती है यदि इसके अंकों का योग तीन से विभाज्य हो अन्यथा यह तीन से विभाज्य नहीं होती तो ये दोनों नियम हम सात कक्षा सात में पढ़ के आ चुके हैं अब यहाँ हम देखते हैं इसका स्पष्टीकरण देखिए कैसे समझते हैं इसको यदि कोई संख्या दी है तीन पाँच सात तीन है तो इसको क्या लिख सकते हैं तीन हज़ार पाँच सौ तिहत्तर है तो तीन गुणा हज़ार करेंगे ये कर दिया तीन गुणा हज़ार पाँच गुणा सौ किया ये पाँच गुणा सौ ये सात गुणा दस किया ठीक है और ये तीन इकाई का अंक है तो लिख दिया तीन विस्तार रूप में लिख दिया अब जो ये हज़ार है इसको लिख सकते हैं नौ सौ निन्यानवे प्लस एक यहाँ जो सौ है उसको लिख सकते हैं निन्यानवे प्लस एक यहाँ जो दस है इसको लिख सकते हैं नौ प्लस एक क्लियर और प्लस तीन तो है ही ये लिख दिया प्लस तीन क्लियर अब देखिए यहाँ पर तीन गुणा तीन गुणा नौ सौ निन्यानवे करेंगे तो ये लिख दिया तीन गुणा नौ सौ निन्यानवे यहाँ किया पाँच गुणा निन्यानवे ये लिख दिया पाँच गुणा निन्यानवे यहाँ किया सात गुणा नौ ये लिख दिया सात गुणा नौ एक और अंक यहाँ पर क्या है तीन गुणा एक तो ये आया तीन पाँच गुणा एक तो ये आया पाँच सात गुणा एक तो यह आया सात और बचा है ये तीन तो इनको हमने अलग ब्रैकेट में लिख दिया ये सब प्लस में है तो इसलिए आगे पीछे हम कर सकते हैं क्लियर अब यहाँ हम ये देखते हैं कि नौ या तीन से सभी विभाज्य होंगी कौन कौन सी सभी ये नौ से विभाज्य है तीन से भी विभाज्य है कैसे देखिए तीन गुणा लिखा है नौ 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 तीन से अगर भाग लगाते हैं तो ये कट रहा है तीन तिया नौ तीन तिया नौ तीन तिया नौ नौ से भाग लगा रहे हैं अगर हम तो ये नौ से तो कट रहा है नौ एकम नौ नौ एकम नौ नौ एकम नौ तो ये वाली जो संख्या है वो नौ और तीन दोनों से विभाज्य है ये 9 -3 भी नौ और तीन दोनों से विभाज्य होगा जैसे नाइन 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 को देखा वैसे ही नाइनटी नाइन भी तीन और नौ दोनों से विभाज्य है इसी प्रकार सात गुणा नौ है तो ये भी नौ और तीन दोनों से विभाज्य है तो फिर डिपेंड हो रहे हैं हम इनके योग पर ये क्या है दी गई संख्या के अंकों का योगी तो ये देखिए तीन ये प्लस पांच ये प्लस सात ये प्लस तीन तो इसका मतलब अगर ये संख्या इनको जोड़ने पर हमको ऐसी संख्या मिल जाए जो तीन या नौ से विभाजित हो तो क्या होगा जो पूरी संख्या है वह तीन और नौ से विभाजित होगी क्लियर तो यहां पर देखिए हम यह संख्या नौ या तीन से तभी विभाज्य होगी यदि इनका योग संख्या नौ या तीन से विभाज्य हो ये समझा तो यहां पर वही नियम बना कि संख्या आपको जो दी गई है संख्या उसके अंकों को जोड़ो यदि वह योग नौ या तीन से विभाज्य होता है तो दी गई पूरी संख्या नौ या तीन से विभाज्य होगी क्लियर देखिए तीन प्लस पांच प्लस सात प्लस तीन अट्ठारह होती है संख्या नौ से विभाज्य और तीन से भी विभाज्य है नौ दुनी अठारह और तीन चंग अठारह दोनों ही स्थितियों में कट रहा है ये पूरा पूरा अतः संख्या तीन पाँच सात तीन संख्या नौ तीन दोनों से विभाज्य है क्लियर अब हमने क्या किया संख्या लिए तीन पाँच सात छः इसको विस्तार रूप में लिख दिया ये मिला फिर हज़ार को लिख दिया नाइन 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 प्लस वन तो हमको मिल गया तीन गुणा नाइन 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 पाँच गुणा नाइन 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 सात गुणा नाइन प्लस ब्रैकेट में क्या बचा ये तीन यहाँ से यहाँ पर लिखा था नाइन 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 प्लस एक तो तीन गुणा एक ये तीन यहाँ भी पाँच गुणा एक तो ये पाँच यहाँ भी सात गुणा एक तो ये सात और प्लस छः दिया गया है तो ये कट रहा है तीन और नौ से ये कट रहा है तीन और नौ से ये भी कट रहा है तीन और नौ से तो सब कुछ डिपेंड कर रहा है इनके योग पर ये किसका योग है दी गई संख्याओं के अंकों का योग ही तो है तीन प्लस पाँच प्लस सात प्लस छः तो ये करने पर हमको मिलता है इक्कीस तो नौ की टेबल में इक्कीस आता है नहीं आता इसका मतलब जो ये संख्या है वह नौ से विभाज्य नहीं है नौ से डिवाइड करेंगे तो हमको कुछ शेषफल मिलेगा नौ और तीन की टेबल में इक्कीस आता है तीन सत्य इक्कीस आता है इसका मतलब ये जो संख्या दी गई है वो तीन से पूरी पूरी विभाजित होगी और शेषफल शून्य मिलेगा तो ये हमने डायरेक्ट भी बता सकते हैं इनको जोड़ लेंगे और ये इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ आपको अंकों को जोड़ना है दी गई संख्या के यदि वह योग नौ से विभाजित है तो पूरी संख्या नौ से विभाज्य है यदि वह योग तीन से विभाज्य है तो पूरी संख्या तीन से विभाज्य होगी तो यही इसका स्पष्टीकरण है समझ में आया तो देखिए यदि संख्या सी बी ए है तो इसको ये लिख सकते हैं और फिर हमने क्या किया सौ और दस को तोड़ दिया नाइन्टी नाइन प्लस वन और नाइन प्लस वन में तो ये मिल गया हमको 99 नाइन प्लस नाइन्टी नाइन सी प्लस नाइन बी प्लस ए बी सी आगे क्या किया इन दोनों में नाइन कॉमन है तो ये आ गया एलेवन सी प्लस बी प्लस ए बी सी तीन और नौ से विभाज्य है ये क्योंकि नौ को तो अगर नौ से भाग लगाएंगे तो ये नौ से नौ कट जाएगा तीन से भाग लगाएंगे तो तीन तीन नौ तो ये पूरा जो भाग है वह तीन और नौ से विभाज्य है अतः नौ या तीन की विभाज्यता तभी संभव है जब a प्लस बी प्लस सी नौ या तीन से विभाज्य हो क्लियर समझ में आया तो उम्मीद करती हूँ ये सभी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे इन्हीं पर आधारित होगी प्रश्नावली 16.1 और 16.2 जो हम आगे की वीडियोस में हल करेंगे तो तब तक जुड़े रहिए धन्यवाद